हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं अवकलन। तो अवकलन के आपने बहुत से वीडियो देख लिए, अवकलन का बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया। अवकलन पर जितने बेसिक होते हैं सब मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अवकलन के डिफ्रेंसिएशन के एक स्पेशल पैटर्न पर और कुछ डिफिकल्ट पैटर्न पर। आज जो मैं आपको अवकलन कराने वाला हूँ वो 100% आपके एग्जाम में आना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये स्पेशल पैटर्न के हैं, इसलिए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको उसको समझना है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि आपने यदि उस पैटर्न का एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो उस पैटर्न के बाकी क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो पैटर्न है वो है पहले लघुगण की अवकलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लघुगण की अवकलन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और एक स्पेशल पैटर्न है, ठीक है। अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लघुगण की अवकलन का मतलब क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका सबसे पहले हम लघुगण मतलब लॉग लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न है, जो फर्स्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरह से होगा। पैटर्न हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, या हम कहें वाई, फंक्शन ऑफ एक्स ही वाई होता है ना, अपन कैलकुलस में जनरली उसको वाई ही लिखते हैं। तो वो इस तरह का रहेगा, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू दी पावर फंक्शन ऑफ एक्स, इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा। और जब इस पैटर्न के क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन है जो बेस में है वही क्या होगा, उसके पावर में होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझाने के लिए आपको। देखो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन ले लिया, वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स। देखिए आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस तरह के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। तो ये है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। यहाँ पर देखो x बेस है फंक्शन ऑफ x और वही उसके पावर में है x। बहुत आसान है और एक क्वेश्चन समझने के बाद सभी क्वेश्चन उसी तरह से बनते हैं। अब हम इसको लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग, ठीक है। दोनों पक्षों का हमने लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल ये हो जाएगा लॉग x टू द पावर x। दैट इम्प्लाइज लॉग y इक्वल टू, आपको लॉग का फार्मूला पता है कि लॉग m टू द पावर n, n लॉग m होता है, तो ये पावर सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा x लॉग x। इस कंडीशन में आने के बाद क्या करेंगे, हम इसको अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अपन करते हैं इसका अवकलन। नाउ डिफ्रेंशिएट, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लॉग y का अवकलन ध्यान देना, y को हम x सपोज करके अवकलन करेंगे तो लॉग x का 1 अपॉन x होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y। और y को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल से, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, दैट इक्वल ये किससे होगा, u इंटू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा u इंटू वी से। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज वन अपॉन वाई इक्वल टू वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x लॉग x का लिखेंगे 1 अपॉन x और प्लस ये हो गया लॉग x इंटू 1, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज अब हम क्या करें, y को उधर ट्रांसफर कर दें क्योंकि हमको dy वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा y अंडर ब्रैकेट यहाँ से बचा 1 और प्लस log x। दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, वाई का वैल्यू को हम यहाँ से ला के पुट अप कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या है, x टू द पावर x, x टू द पावर पर x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये होता है इसका आंसर।
यहाँ एक बात ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के आंसर में यहाँ वाई आएगा, दैट मीन्स फंक्शन को यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डिफ्रेंसिएशन होता है लाग लेने के बाद। तो ये एक स्पेशल पैटर्न है, इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अभी मैं आज के क्लास में जितना भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सब के सब लाग पर बेस्ड स्पेशल क्वेश्चन, इसीलिए हमने लिया आज लघुगणक की अवकलन को, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को, क्लियर। तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका, या तो आपको लर्न हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद फिर हम पैटर्न को एक एक करके चेंज करते जाएंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया मैंने सपोज साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये सब आसान है लेकिन प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन इस तरह से, वाई इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर साइन एक्स, देखो बेस भी वही पावर भी वही, तो इसको करेंगे सीधा सीधा लाग लेंगे, टेकिंग लाग, लाग लेने पर क्या हो जाएगा, लाग वाई इक्वल लाग साइन एक्स का पावर साइन एक्स। अब ये सामने आ जाएगा फार्मूला से, दैट इम्प्लाइज लाग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स। एक्चुअल में चैन रूल में आपका कमांड होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएट, अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ लाग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स। ये दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लिख दिया, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं होता, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए दैट इम्प्लाइज अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जैसे हमने किया है, तो हर बार वैसे ही होगा, वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है u, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन मतलब लाग साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, धीरे धीरे ये डिफिकल्ट होता जाएगा। तो आज तो मैं आपको सिंपल एवरेज लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं इसी पर फिर एक वीडियो लाऊंगा वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है कि पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इजी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, फिर आप डिफिकल्ट में थोड़ा डाइवर्ट होइए तो समझ में आता है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स और लाग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लाग साइन एक्स का हो जाएगा वन, वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी आपको रहना चाहिए, लाग साइन एक्स का कॉट एक्स होता है, मैंने बताया था, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो साइन एक्स का लाग साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं, कई लोग जो नए ज्वाइन किए रहते हैं स्टूडेंट्स वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, साइन एक्स। वैसे जिन लोग मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा सजेशन है कि डिफरेंशिएशन का शुरू पार्ट से आप फर्स्ट पार्ट से देखिए उसका, लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाई इधर चला गया, यहाँ से वाई को हमेशा उधर ट्रांसफर करना है, ये साइन एक्स के साथ में कैंसल आउट हो गया, ठीक है, कॉट एक्स लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा प्लस कॉस एक्स इंटू लाग साइन एक्स, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई को वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, साइन एक्स का घात, ये हर आंसर में आएगा, और यहाँ से दोनों में से कॉस एक्स कॉमन है तो कॉस एक्स कॉमन भी कर लिए, यहाँ से बच गया वन और प्लस यहाँ से बच गया लाग साइन एक्स। इस तरह से देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स कॉस अंडर ब्रैकेट वन प्लस लाग साइन एक्स, ठीक है, आसान है। तो ये है देखो, हर क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही रहेगा, ये मैंने आपको पैटर्न बताया,
फंक्शन ऑफ एक्स का पावर फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स का पावर साइन एक्स। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये डिफिकल्ट नहीं है, आप दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी सब तरह के क्वेश्चन का को बना सकते हैं आप, ठीक है। अब हम पैटर्न चेंज करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा, बेस अलग रहेगा और पावर बनेगा बिल्कुल ऐसी, बस थोड़ा डिफरेंस है, नॉमिनल डिफरेंस है। चलिए तो नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस पैटर्न के क्वेश्चन में बेस और पावर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसको कर दिए जी एक्स, मतलब क्या होगा, बेस अलग होगा और पावर अलग होगा। चलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बता दूं तो फिर आप उसको, अच्छा एक मिनट मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद उसको मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन रिपीट करूँ उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये मैंने प्लानिंग की थी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं पर आपको मिले तो वो डिफ़िकल्ट लगे, या कोई बहुत लेंदी मेथड से बनाए, या किसी राइटर को आप पढ़ो तो चार लाइन के क्वेश्चन को 10 लाइन 15 लाइन में बनाया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसमें आप जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, जितने तरीके से आप उसको बनाएंगे, उतना ही क्या होते जाता है, वो ईजी होते जाता है। तो चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये है वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, y इक्वल टू ए टू द पावर x अपॉन x टू द पावर x। ये बहुत अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन मिलने के बाद आप इस पैटर्न के साथ इसको वाच ना कर पाओ, ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है, कई बार कई स्टूडेंट्स या इवन टीचर्स राइटर्स सीधा इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर बाद में लाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, लाग लेना है इसका, तो टेकिंग लाग। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि स्टेप कम से कम हो, लेंदी मत हो क्वेश्चन, और स्टेप क्लियर भी हो। ऐसा नहीं कि हमने बहुत छोटा बना दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, दोनों बातों का समावेश होना चाहिए। वह स्टेप में कम हो, मतलब ज़्यादा लेंदी ना बने, और साथ ही क्या है, उसके सभी स्टेप्स एकदम क्लियर हो, ईजी हो। तो हमने पहले लाग लिया इसका सबसे पहले, तो हो गया ये लाग वाई इक्वल टू ए हो जाएगा लॉग ए टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला, ठीक है, जो हमारे पास इस तरह से लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला होता है, क्या लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो उस फार्मूला से क्या होगा, ये ऊपर वाला एम है ये एन है, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल लॉग एम लॉग ए टू दी पावर एक्स माइनस लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, ऐसा होगा। अभी भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एम टू दी पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लॉग ए माइनस एक्स लॉग एक्स, इस तरह से होगा। अब इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। नाउ डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, दोनों का अलग अलग लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ए और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, क्लियर। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स मतलब हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यू इंटू वी, से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, एक बार लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए, क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन दैट मींस लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माने एक्स और माइनस यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ना पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा। और चूंकि सामने माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप को भी क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेप लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर यहाँ तक। अब सब का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो अवकलन का जो बेसिक है स्टार्टिंग का और चैन रूल, ये जिसको प्रॉपर
प्रैक्टिस है, उसके लिए डिफ्रेंसिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सेकंड पार्ट का और इसके बाद का मैं इसी पैटर्न पर वीडियो लाऊंगा, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन का और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को कवर कराने का कोशिश करूंगा। आज मैं करा रहा हूं वो बेसिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, ये मैंने जीरो लिख दिया। उसके बाद ये हो जाता है लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन वन होता है, माइनस एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स, और माइनस ये लॉग एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया, वन हो गया। इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। दैट इंप्लाइज अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो जाएगा वाई, ये जीरो हो गया, ये लॉग ए और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट होके माइनस वन, और माइनस वो हो जाएगा लॉग एक्स। दैट इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स अंडर ब्रैकेट लॉग ए, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, लॉग लॉग को एक साथ लॉग एक्स, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है आसानी से। क्लियर, देखिए एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। अब जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था उस पैटर्न को अपन देखते हैं, और वो पैटर्न है जब उसका पावर क्या होगा, ये फंक्शन दूसरा हो जाएगा, है ना। अभी बेस भी सेम था और पावर भी सेम था। फंक्शन ऑफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, एक क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा ऐसे ही, पूरा ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके लिए देखो, ये क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कोई सा भी। सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो कुछ भी नहीं करना है, सेम वही काम है, रिपीट है, रिविजन है उसका, बस हमने थोड़ा सा वैल्यू को चेंज किया है। टेकिंग लॉग, लॉग लेने पर लॉग वाई इक्वल लॉग लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, क्लियर। दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल, ये लॉग एम टू दी पावर एन से सामने आ जाएगा, तो हो गया साइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, क्लियर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, ये होगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें यदि, तो किस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट इक्वल ये फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन अब सेकंड फंक्शन से होगा, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। एक बात आप समझ रहे होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है चेन रूल, जैसे इस जगह को डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल नहीं पता है तो दिक्कत है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोलता था कि जिस स्टूडेंट का चेन रूल में कमांड हो गया वो सब कर लिया। ये हो गया लॉग लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करें, तो दैट इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, उधर ट्रांसफर कर दो, ये वाई हो गया, और यहाँ से साइन एक्स लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का एक बार वन अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स का दोबारा वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो प्लस ये हो गया लॉग लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। दैट इंप्लाइज डी वाई
बाय डी एक्स इक्वल वाई। अब वाई के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, ठीक है। ये वाई बाहर में है ना, ब्रैकेट के बाहर में है, सबके साथ मल्टीप्लीकेशन है वाई का, तो वाई का वैल्यू अपन पुट अप कर देंगे यहाँ पर, क्या लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये हो गया। और यहाँ से ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ऐसा लिख लेते हैं इसको, इसको सामने लिख लेते हैं, और प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा लेंदी दिखता जरूर है, बाकी है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे ही बना, चाहे बेस अलग हो चाहे सेम हो, दोनों एक जैसा बनता है, ठीक है। देखिए इसको, साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, क्लियर। अब इसी पैटर्न पर मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और कभी भी आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आप समझिए कि क्वेश्चन कभी भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एनसीईआरटी में सभी बुक में, आरडी शर्मा सभी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। वैसे जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, वो सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद एक-एक आप डिफिकल्ट लेवल में चले जाओगे तो समझ में नहीं आता है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है। चलिए ये क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स का स्क्वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, टू दी पावर एक्स का पावर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर एक्स का होल पावर एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि जब पावर के साथ में मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो एक अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। अब हम इसको इसका बेस मानेंगे और उस आधार पर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे लॉग, तो टेकिंग लॉग, देखो जितना पैटर्न पढ़ रहे हो वो लघुगणक की अवकलन है, मैंने उसको सेपरेट किया है। ऐसे फंक्शन के आज हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं जिनको स्टार्टिंग में लॉग ही लेना पड़ता है, इसलिए लॉग पर बेस्ट डिफ्रेंशिएशन है। तो टेकिंग लॉग, यदि हम इसको लॉग ले लें, तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये पावर सामने आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, ये ठीक है। एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स भी हो जाएगा ना, ये एक्स टू द पावर एक्स, ठीक। इसको भी लेके आप कर सकते हो, इसको भी लेके आप कर सकते हो, दोनों कंडीशन में हम उसको कर, जब इस पैटर्न पर लोगे तो ये सामने आएगा और ये होगा, फिर वो दोबारा आएगा तो यही हो जाएगा, ठीक है, फिर यही बन जाएगा, फाइनली यही बन जाएगा वो। तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब हम इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट। अब यदि हम इसको अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, अब तो आसानी से आप समझ सकते हो, पहला लाइन ही थोड़ा समझने का था, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से यू इंटू वी से, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया, और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, वाई को उधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर चला गया, और ये हो गया एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और प्लस ये हो गया लॉग एक्स और एक्स स्क्वेयर का टू एक्स। That implies ये एक x इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसमें और इसमें से x कॉमन है तो x को कॉमन कर लेते हैं अपन, ये x मैंने कॉमन कर लिया, इंटू अब क्वेश्चन को लिख देंगे y के जगह में, तो x x स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट, यहाँ से एक x कैंसिल हुआ है, x को कॉमन कर लिया है तो बचेगा वन, और प्लस यहाँ से x को कॉमन कर लिया है तो हो जाएगा टू लॉग x, ये आंसर। इसको लॉग एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, यदि आंसर में लॉग एक्स की स्क्वायर हो तो भी वो सही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
इसको लॉग एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, ये एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ऐसा दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर वन प्लस लॉग, अभी मैंने बताया ये ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो देखो बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएशन लघुगण की श्रेणी पर, लघुगण की मतलब लॉगरिथमिक पर बेस जो अवकलन है वो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पर। सेम बेस और सेम पैटर्न पर एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। बाकी देखो आपको क्या करना है, मेरे पढ़ाने के बाद आपको अपने टेक्स्ट बुक से जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक होगा उससे इस पैटर्न के क्वेश्चन की बराबर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टीचर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ऐसा है कि हमारे पढ़ाने के बाद वो बहुत आसान लगने लगता है, लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं तो दिक्कत आती है। तो मैथमेटिक्स में कमांड करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके आप मैथमेटिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमा, एक एवरेज स्टूडेंट भी यदि रात दिन मैथमेटिक्स लगाने में लगा है तो मेरी गारंटी है कि कुछ दिनों बाद वह मैथमेटिक्स पर अच्छा कमांड कर लेगा। तो प्रैक्टिस ही इसका मेन फंड है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का नेचर में थोड़ा डिफरेंस है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर एक्सप्लेनेशन, टीचर का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये एक मैटर होता है। लेकिन मैथमेटिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, सीधा सीधा यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा, तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको। इसीलिए दोनों सब्जेक्ट में कमांड करने के तरीके अलग अलग हैं। फिजिक्स लॉजिक पर बेस्ड है, थोड़ा इमेजिनेशन पर बेस्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स कम्प्लीटली प्रैक्टिस पर बेस्ड है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और दोनों को आपने खुद, मेरे दोनों सब्जेक्ट के क्लास ज्वाइन करते हैं यदि दोनों के वीडियो देखते हैं तो देखते होंगे कि दोनों जगह मेरे पढ़ाने के तरीके में डिफरेंट है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस पर जोर देता हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है, क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो ऐसे आप भी करिए। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, और x टू द पावर साइन इनवर्स x, y इक्वल टू x टू द पावर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन तो वही है, कुछ नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस अच्छा मतलब इसमें कुछ बहुत स्पेशल बात नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। तो क्या टेकिंग लॉग, कुछ टाइम के बाद तो वही वही मेथड ही है, बोरिंग लगने लगता है मेरे को मालूम है, अच्छा प्रैक्टिस होने के बाद वही वही काम है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको सामने लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, दोनों साइड का अपन लॉग ले लिए, ठीक है, टेकिंग लॉग लिख दिए यहाँ पर। नाउ डिफ्रेंशिएट, अवकलन करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हो, नाउ डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यू इंटू वी से, तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। दैट इम्प्लाइज अब ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन x प्लस लॉग x और साइन इनवर्स का वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, क्लियर। दैट इम्प्लाइज इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो वैसे ही रहेगा साइन इनवर्स x इंटू वन अपॉन x और प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है और कुछ करना नहीं है इसको, है ना, फर्स्ट फंक्शन कुछ नहीं है, अभी तो आंसर है इसको और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, आसान क्वेश्चन हो गया है तो इसमें कुछ नहीं है, बस y को था, बस आंसर लेंदी दिख रहा है और कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन दिख बस रहा है dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई उधर ट्रांसफर कर दिए y, तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग x अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू को पुट कर दो तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है x इंटू साइन इनवर्स x अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग x अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक बार आंसर टेली कर लें इसका, एक साइन इनवर्स x अपॉन x
प्लस लॉग 105 रूट। तो आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस उसको मैं देखा तो लगा कि थोड़ा सा ठीक है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये लॉग पर बेस्ड है, दो पैटर्न बताया। अब इसका हम मिक्स पैटर्न देखते हैं। मिक्स पैटर्न मतलब एक आध क्वेश्चन से आप समझ में आ जाएगा कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा सेपरेट फंक्शन ना देके उसके साथ में एक और फंक्शन को ऐड कर देता है। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ और एक ही क्वेश्चन से आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। मतलब उसका जो पैटर्न है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार आपको, इस तरह से रहेगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और इसका पावर फंक्शन ऑफ x है और प्लस इसके साथ में एक और क्वेश्चन है सपोज, वो है फंक्शन ऑफ x टू द पावर gx, ऐसा है। इस तरह का पैटर्न समझ लो, माने दो क्वेश्चन एक साथ हैं तो दो क्वेश्चन हो गया उसी का। फिर भी एक क्वेश्चन बता दूं, कभी कभी कई स्टूडेंट्स इसमें नया टाइप का क्वेश्चन को समझने लगते हैं, तो इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक ही क्वेश्चन से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन का आपको जरूरत नहीं है इसमें, या दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना, दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, x टू द पावर log x y इक्वल टू x टू द पावर log x प्लस सेकंड पार्ट है इसका x टू द पावर log x साइन x टू द पावर x, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं साइन x का पावर x, यही है क्वेश्चन, साइन x का पावर x। चलिए अब यहाँ पर तो सब अलग अलग है समझ लो, ठीक है, सब अलग अलग है, मतलब यहाँ पर तो दोनों भी सेम जैसे नहीं है, पैटर्न को हटाओ आप इसको कोई मतलब नहीं है, आप सीधा देखो इस क्वेश्चन को, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप कर लिए, कर लिए, तीसरा चौथा पाँचवा भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन इतना लेंदी होता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बस मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लिखते कैसे हैं, इसको क्या करो, दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है देखना, कई बार स्टूडेंट इसको देखते हैं पैटर्न याद रहता है, टेकिंग लॉग जैसे भी किए, लॉग ले लिए, तो यहाँ पर हम लॉग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सीधा लॉग, क्योंकि हमारे पास लॉग एम प्लस एन का कोई फार्मूला नहीं होता, लॉग एम प्लस एन का कोई फार्मूला नहीं लेता होता। तो दोनों साइड के यदि आप लॉग ले लिए यहाँ पर, तो लॉग इतना प्लस लॉग इतना, लॉग इतना प्लस इतना कुछ कर नहीं सकते आप उसको, इसलिए हमको यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्या है थोड़ा प्रॉब्लम को समझना कि यहाँ प्रॉब्लम क्या था, शुरुआत से हम लॉग ले लेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि लॉग तो दोनों के बाहर रहेगा और तब हम इसको अलग अलग ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फार्मूला लॉग एम इंटू एन का होता है, लॉग एम अपॉन एन का होता है और लॉग एम टू द पावर एन का होता है, प्लस और माइनस में फार्मूले नहीं होते, न प्लस में न माइनस में। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, ये दोनों फंक्शन को अलग अलग फंक्शन सपोज करना होगा। इसके लिए हमने इसको u सपोज कर लिया और प्लस इसको v सपोज कर लिया, माने हमने मान लिया, नाउ पुट क्या मान लिया, u इक्वल टू ये x टू द पावर log x को u मान लिया और v इक्वल टू इसको दे दिया रिलेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर, और इसको मान लिया हमने v, किसको, साइन x टू द पावर x को, इसको v मान लिया। तो हमारा फंक्शन इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू यू प्लस वी। अब क्या करेंगे, ये दोनों को दो क्वेश्चन मान के अलग अलग सॉल्व करेंगे, कैसे देखो, चूंकि u बराबर x टू द पावर log x, अब यहाँ पर टेकिंग log, अब आप इसको log लो तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x इंटू एक्स, ठीक है, log x इंटू log x, ये सामने आया m इंटू log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, नाउ डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x, इस तरह से कर लेंगे, क्लियर। एक मिनट, यहाँ पर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, हाँ ठीक है। अब आगे इसको हम यदि सॉल्व करें तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखते हैं, दैट इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स इक्वल, डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये यू हो गया और अंदर में क्या होगा देखो, लॉग एक्स अपान एक्स, लॉग एक्स अपान एक्स, तो टू लॉग एक्स अपान एक्स हो जाएगा, दोनों एड होके हो जाएंगे
टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो सेम चीज है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, तो टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, दैट इंप्लाइज डी यू बाई डी एक्स इक्वल, यू के मान को हम भर देते हैं, यू के मान को यहां से भर देते हैं, जो सपोज किया है एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स अंडर ब्रैकेट टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया सपोज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब हमने v माना है इसको, तो चूंकि v बराबर, अब इसको ले लेते हैं, चूंकि v बराबर साइन x का पावर x, अब देयरफॉर सीधा लिख रहा हूं मैं log v इक्वल टू x इंटू लॉग साइन x, दोनों तरफ का log ले लिया, अब इसको हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, डिफ्रेंशिएट, तो 1 अपॉन v, क्वेश्चन लेंदी बन जाता है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि दो क्वेश्चन हो गए ना, ये ऐसा बनाते थे दो क्वेश्चन हो गए, इसको बताने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन मैं सोचा एक बता दूं ताकि इसी स्टेप पर आपको परेशानी ना हो। ये हो जाएगा dv by dx इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का दोबारा कॉस एक्स, चैन रूल, सब कुछ चैन रूल है, आप देख रहे होंगे। मैं बार बार एक बात याद दिला रहा हूँ कि आप में से जिसका डिफ्रेंशिएशन का बेसिक अच्छा नहीं है, मैंने चैन रूल बहुत अच्छे से पढ़ाया है पहले की वीडियोज़ में, तो जो स्टूडेंट नया नया ये वीडियो देख रहा होगा, फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, वो तुरंत इसको देख ले, आए इसको बंद करे यहीं पर और चला आए फर्स्ट पार्ट में, अवकलन के पहले पार्ट से इस पार्ट तक वो देखे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दैट इंप्लाइज यहाँ से हम निकाल लें डी वी बाई डी एक्स, तो वी को इधर ट्रांसफर कर दें, तो वी इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। दैट इंप्लाइज ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, अब वी के वैल्यू का पुट कर दो, तो वी का वैल्यू अपने पास ये है, ठीक है, यहाँ से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है ना, मिक्सअप नहीं कर लेना, यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, साइन एक्स का पावर एक्स, साइन एक्स का पावर एक्स और अंडर ब्रैकेट एक्स इंटू कॉट एक्स, आंसर बहुत लेंदी आता है इसमें, क्योंकि दो क्वेश्चन हो गए ना, ये हो गया। अब आगे देखो, आप आपने डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया और डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया, सपोज रिलेशन नंबर से थर्ड है, ये निकाल लिया और हमारे पास ये है फर्स्ट में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट रिलेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसका डी यू बाई डी एक्स, इसका डी वी बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं यहाँ से और यहाँ से, दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर पुट अप कर दो, आंसर मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये है अपने पास क्या, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स अंडर ब्रैकेट टू लॉग एक्स अपॉन एक्स और प्लस डी वी डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दें, ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर एक्स और अंडर ब्रैकेट ये एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आंसर होगा। बहुत लेंदी है क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर ये समझ लो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको पैटर्न बताया कि यदि इसमें दो फंक्शन हो, अब सोचो तीसरा कर दे तो कितना बड़ा आंसर होता, जनरली तीसरा भी एग्जाम में नहीं आता और ये पैटर्न भी आने का चांस एग्जाम में कम रहता है क्योंकि लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए एक एक पार्ट में पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए दोनों। तो यहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, मैं देख लूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी, आंसर टेली कर लें अपन, आंसर इसका दिया हुआ है थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, साइन एक्स पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर,
ठीक है, वो एनसीईआरटी बुक में आंसर था, दूसरे पैटर्न में दिया है। वो क्या दिया हुआ है, ये सामने टू है, जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना, ये सामने टू है, उसको यहाँ स्क्वायर बना दिया है, तो बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स। मैं इसलिए आपको टेली कर रहा हूँ, कहीं आप किसी बुक में देखें और आंसर, अरे सर का आंसर दूसरा है, थोड़ा समझना है, आंसर लिखने के तरीके बहुत हैं, क्या है समझ लो, यहाँ पर ये है, क्योंकि एक बात आपको बता दूँ, कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्या है वीडियो पर हमारे कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं उस पर कि सर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, आंसर नहीं आया, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स में सर यहाँ पर मिस्टेक हो गया। बाद में उस वीडियो को मैं टाइम निकाल के देखता हूँ, भैया कहाँ मिस्टेक कर लिया, तो पता चलता है कि मैं उसको आगे करेक्ट करके सही कर दिया था और स्टूडेंट ने वहाँ तक देखा और वीडियो बंद कर दिया। आपको पूरा आंसर तक, जितना मैं उस आंसर पर कंप्लीट डिस्कशन किया रहता हूँ वो पूरा आप देखो, हो सकता है कोई यहाँ तक देखे, वीडियो बंद कर दे और बुक से क्वेश्चन को मिल जाए, उसको मिला अरे सर का आंसर गलत आ गया, उसको पता ही नहीं कि मैं आगे क्या एक्सप्लेन किया था। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि पेशेंस के साथ पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखियो। देखो आधा अधूरा देखने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा क्या है, हंसी आती है उसको, क्या बताऊं मैं कि कहां पर मिस्टेक है, कैसे हुआ। मैथमेटिक्स में तो जनरली अपन आंसर टेली करते ही, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको समझाने के चक्कर में कभी कभी दिमाग से कोई चीज़ उतर गया, मैं इसको कुछ दूसरा लिख डाला, कुछ ऐसा धोखा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको एक्सप्लेन भी करना होता है और एक्सप्लेनेशन के चक्कर में वो कहीं दिमाग से मिस हो जाता है, तो आंसर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उसको आपको बराबर पहले पूरा देखना चाहिए। तो इसमें बुक में आंसर ऐसा दिया है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो टू स्क्वायर बन जाएगा, और क्या लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, देखो इसको, ये एक्स का पावर वन है, केवल इस पोर्शन को लिख रहा हूँ अलग से, एक्स का पावर वन है, यहाँ पर एक्स का पावर लॉग एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो पावर वन उसे माइनस होगा, और कितना लेंदी करके लिख दिया उसको, ऐसा लिखा है एक्स टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन, तो होगा कैसे होगा, समझ गए, ये पावर वन इसके साथ जाके ऊपर जाके माइनस, और उसको उसके पावर में कर दिया, इसको लिख दिया लॉग एक्स स्क्वायर, ये पहला पार्ट ना, सेकंड पार्ट तो सेम है। अब कोई इतने ही देखेगा, ये देखेगा और ये देखेगा तो दिमाग नहीं लगाएगा कि मैं उस आंसर को कैसे ला के छोड़ा, इमीडिएट मुझे कमेंट्स कर देगा सर आंसर गलत आ गया, तो थोड़ा ध्यान रखना, उसको पूरा करो और अपना भी उसको सॉल्यूशन को बनाओ। और अच्छा एग्जाम की बात है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मार्क्स ऐसा लिखेंगे तो मिलेगा कि ऐसा लिखेंगे तो मिलेगा, दोनों में मिलेगा, परेशान मत होना, वो टीचर चेक करने वाला, उसको पता है कि ये आंसर यहाँ तक आता है, या वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का स्पेशल पैटर्न, जो तीन तरीके से आपको मैंने बताया, एक बेस और पावर सेम, बेस पावर अलग अलग, फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन कि दो दो फंक्शन हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और बता दूँ इसमें मैं, जो इन टू के फॉर्म में होता है, इसके बाद जो मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँगा वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, जिसमें बहुत से फंक्शन, ये तो एडिशन के फॉर्म में था, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया कि यदि योग में हो तो यू और वी लेते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, सीधा हम लॉग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉग में मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट किया, चलो एक क्वेश्चन अपने से आपको बताता हूँ कि इस तरह से हो, मैंने इसका जो पैटर्न ऐसा कर सकते हैं अपन कि हमारा जो क्वेश्चन है वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स टू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स थ्री एंड सो ऑन, ऐसा हो, माने सब फंक्शन का आपस में क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तब तो आसान काम है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर वाई इक्वल टू सपोज एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ज़्यादा लेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ये मैंने थ्री पार्ट ले लिया। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अभी यू भी माने थे, अब यहाँ यू भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनटू में है और इनटू में लॉग का फार्मूला है, तो सीधा क्या करेंगे अपन, लॉग लेने पर हमने सीधा इसका लॉग ले लिया, तो हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, क्लियर। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, अब लॉग एम एन सब मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला होता है, तो लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, क्लियर, और प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री। नाउ डिफ्रेंशिएट, अब यदि हम इसका अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं
वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सीधा मैं, तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स का वन, प्लस इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस इसका वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसको मैं वाई को उधर ट्रांसफ़र कर दूं और ट्रांसफ़र करके वाई को वैल्यू को साथ ही साथ लिख रहा हूं। बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा तो काम बहुत बार कर चुके। वाई इधर जाएगा, क्वेश्चन को लिख दिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। और अंडर ब्रैकेट चाहे तो हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों को एलसीएम ले लिए। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम यही आएगा तीनों को मल्टीप्लीकेशन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा इसके साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो गया एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और प्लस यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, ये होगा नहीं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक एक कैंसिल आउट होते जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये कैंसिल आउट होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन है तो वो समझ गए आप, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, क्लियर ना। अब ये पूरा इसके साथ में कैंसिल हो गया, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, सीधा इसको आंसर को और उसको ओपन नहीं करना है, उसको लिखेंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री और प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको पूरा बताया लघुगणकी अवकलन लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन के डिफरेंट पैटर्न्स, और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ये पैटर्न। ऐसी हम एक एक पैटर्न को लेके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि एक पैटर्न को बताएं तो आपको 100% प्रिपेयर हो जाए। तो इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का, और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो लेके आऊँगा वो अलग पैटर्न पर होगा और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, इससे भी आते हैं। ओके, थैंक यू।